हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी एज ए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी बड़ी अपडेट है, कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है, टोटल कितनी वैकेंसी रखी गई है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस अपडेट को स्टार्ट। तो दोस्तों, बात करें यहां पर इनके ऑफिशियल नोटिस की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें कि आप यहां पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज यहां पे रहेंगी, जिसमें कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज यहां पे निकाली गई हैं। एग्जामिनेशन आपका 2024 का रहेगा, जिसके लिए आप 28 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं, 18 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी 18 अप्रैल की रहेगी एंड 19 अप्रैल जो आपका रहेगा वो यहाँ पे डेट एंड टाइम जो आपका मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट का रखा गया है वो आपको यहाँ पे 19 आप यहाँ पे अप्रैल तक जो वो अपनी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। 22 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक आप अपना यहाँ पे जो वो डेट करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है फॉर्म में तो आप 22 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक कर सकते हैं। उसके अलावा जो टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/6 से लेकर आपका 6/6/2024 तक आपका रहेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बाकी का टेंटेटिव शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा एंड यहाँ पे बाकी टोल फ्री नंबर पर आप जाकर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे वैकेंसीज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रखी गई है यहाँ पे, ये पोस्ट जो रहेंगी ग्रुप बी की रहेंगी। इसमें लेवल 6 का पे स्केल दिया जाएगा, 7 सीपीसी का रहेगा, काफी अच्छी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे जो डिटेल आपको दी गई है पोस्ट की, इसमें जो पोस्ट रहेंगी वो आपकी बीआरओ में रखी गई हैं, जेई की पोस्ट रहेंगी। यहाँ पे डिग्री सिविल में होनी चाहिए, 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तरफ से रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। इसमें भी यहाँ पे जेई की सिविल की वैकेंसी रहेगी, 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल में। सेंट्रल वाटर कमीशन में भी आपकी मैकेनिकल के लिए वैकेंसी रहेगी, मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल के लिए रहेगी सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। सेंट्रल पब्लिक यहाँ पे वर्क डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहेगी, इसमें भी इलेक्ट्रिकल सिविल की वैकेंसी रहेंगी। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च में रहेंगी जेई सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी रहेंगी। उसके अलावा नेवल मिनिस्ट्री डिफेंस में मैकेनिकल की पोस्ट भी रहेंगी, सिविल की पोस्ट भी रहेंगी एंड सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट भी रहेंगी, सिविल की पोस्ट यहाँ पे नहीं दी गई है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में यहाँ पे जेई सिविल इलेक्ट्रिकल की रहेगी एंड सिविल की भी वैकेंसी रहेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपकी जेई सिविल की वैकेंसी रहेंगी, जेई मैकेनिकल की रहेंगी। उसके अलावा आपकी यहाँ पे जो वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ में भी जेई सिविल की वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कि डिप्लोमा आपका सिविल का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीआरओ में आपके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 438 वैकेंसीज आपकी जो रहेंगी वो आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगी। बाकी बीआरओ में आपकी जो मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 37 वैकेंसी रहेंगी। उसके अलावा आपकी यहाँ पे जो वो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल बोर्ड की सबसे यहाँ पे आपके लिए 2 वैकेंसी रखी गई हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में 12 वैकेंसी रहेंगी, 120 वैकेंसी सेंट्रल वाटर कमीशन में रहेंगी, 121 वैकेंसी यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में रहेंगी। उसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी में यहाँ पे 217 वैकेंसी रहेंगी। सेंट्रल वाटर और पावर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आपके लिए 2 वैकेंसी रहेंगी, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में 3 वैकेंसी रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो वो आपके नेवल में आपके लिए 3 वैकेंसीज रहेंगी। उसके अलावा फरक्का बैरेज में आपके लिए 2 वैकेंसी रहेंगी, 2 वैकेंसीज आपकी फरक्का बैरेज जल शक्ति में रहेंगी सिविल के लिए। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ आपकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में वैकेंसीज आपको जो वो इंटीमेट कर दी जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट आपकी लास्ट पोस्ट रहेगी वो 6 वैकेंसी रहेंगी एनटीआरओ में। तो ये आप देख सकते हैं सिविल की भी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, इलेक्ट्रिकल की भी मैकेनिकल की भी। बाकी अगर कोई भी चेंज आता है तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, अदरवाइज ये वैकेंसीज आपके लिए दी गई हैं वो सारी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर आपके लिए बाकी ऑल ओवर इंडिया से आप कैंडिडेट जो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी आपको बता दी गई है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे जो वो 5 इयर्स 3 इयर्स का यहाँ पे जो वो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। उसके अलावा बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो भी सारी चीजें आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे
जो आपका फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड से रहेगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस आपकी जो रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 18/4/2024 तक यहाँ पे जो फॉर्म को अप्लाई आप कर पाएंगे। 100 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। SSC की पोस्ट के लिए आपके लिए 100 रुपीज रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिलोंगिंग जो भी आपके SC ST कास्ट PWD कास्ट से रहेंगे उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस जो वो नहीं रहेगी। फीस आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, किसी भी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट अपनी कर पाएंगे। बाकी डेट कलेक्शन के लिए आपकी 22 से लेकर 23 अप्रैल तक आपके लिए यहाँ पे विंडो ओपन रहेगी। आप तब जाकर जो अपनी विंडो ओपन में जाकर अपना फॉर्म भी कलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो 200 आपको पे करने पड़ेंगे, 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जो भी आप यहाँ पे जो वो अपना डेट कलेक्शन करते हैं वन टाइम के लिए, वो आपको यहाँ पे जो वो चार्जेस देने पड़ेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे इसके, जो भी आपके सेंटर्स रहेंगे वो ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप अपना डिटेल में चेक कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, Paper 1 और Paper 2 रहेगा दोनों एग्जाम के लिए। यहाँ पे दोनों आपकी जो पोस्ट रहेंगी वो आपके लिए यहाँ पे दो पेपर रहेंगे, जिसमें कि Paper 1 में CBT एग्जाम आपका रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस, Part A में आपका सिविल एंड स्ट्रक्चरल रहेगा, Part B में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रहेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन से। 2 hours का पेपर रहेगा, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CBT एग्जाम जो आपका 2 रहेगा, इसमें Part A में आपका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर रहेगा एंड Part B में इलेक्ट्रिकल के लिए, Part C में आपका मैकेनिकल के लिए। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के, ये भी 2 hours का टाइम आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी, तो वो आप सारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। बाकी कुछ आपको पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। जो सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो वो डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मैं ये सारा ऑफिशियल नोटिस जो वो शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी अगर बात करें यहाँ पे कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। डेली ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी ऑफिशियल नोटिस के साथ में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।